हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेल सेक्स ऑर्गन, और मैंने आपको बताया कि मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेमेंस को मैं बोल रहा हूँ एंड्रोसियम। एंड स्टेमिन इटसेल्फ इज कंसिस्टिंग ऑफ टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एक को मैं फिलामेंट और दूसरे को बोल रहा हूँ एंथर। एंथर फर्टाइल पार्ट है, या कह सकते हैं मेल फर्टाइल पार्ट है, मतलब कि जो हमारा अल्टीमेट एम है प्रोडक्शन ऑफ पॉलन्स, वो कहाँ पे हो रहे होंगे, एंथर में। इस वजह से हम एंथर को फर्टाइल या मेल फर्टाइल पार्ट बोल पा रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि ईच एंथर हैज टू लोब्स, हर एक एंथर में, मोस्ट ऑफ द केसेस में एंथर में दो लोब्स दिखाई देंगे, और ऐसे अरेंजमेंट को मैंने बोला था बाई लोब्ड अरेंजमेंट या बाई लोब्ड कंडीशन। और एक लोब की अगर मैं बात करूं तो दो थीका प्रेजेंट होंगे, जैसे ये एक लोब है मैंने आपको दिखाया था, और इधर से अगर देखेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, और ये दोनों क्या है, थीका है। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डाईथीकस अरेंजमेंट। और एक एंथर में टोटल कितने थीका हो जाएंगे, एक लोब में दो थीका, तो एक एंथर में दो लोब, टोटल कितने थीका, फोर थीकास प्रेजेंट होंगे। इस वजह से अरेंजमेंट ऑफ एंथर इन टर्म्स ऑफ थीका हम लोग बोलेंगे टेट्राथीकस अरेंजमेंट। और फिर मैंने आपको बोला था कि अगर हम एंथर को ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट कट करें तो इसके इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे हमको इस तरीके का स्ट्रक्चर अपीयर होता दिखाई देगा, यानी कि हमने एंथर को ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट कट करके आपको दिखाया है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मैंने आपको बताया कि ये एक लोब और एक लोब, ये एक लोब में 1-2 थीका, इसी तरीके से इस लोब में 2 थीका, तो इस दोनों लोब में 1-2-3-4 थीकास प्रेजेंट होंगे, यानी कि ये टेट्राथीकस अरेंजमेंट होगा एंथर का। और मैंने आपको बताया कि हर एक थीका में यहाँ पे बैक गैस सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको मैं बोल रहा हूँ स्पोरेंजियम, क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर्स बनेंगे या प्रोड्यूस होंगे। तो मैंने किया क्या कि इस स्ट्रक्चर को आपको यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाया है, मैंने एंथर को ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट कट किया, फिर उसके ट्रांसवर्स सेक्शन को यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो एंथर जो है, ये जो एंथर है ये किस तरीके से डेवलप हो रहा है, इसके डेवलपमेंट को हमको समझना है, यानी कि जो ये बाइलोब्ड डाईथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट अरेंजमेंट है, ये कैसे अराइज हो रहे हैं, इसी डेवलपमेंट को हमको समझना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ डेवलपमेंट ऑफ एंथर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये एक सिंगल सेल से बन सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ सेल से बन सकते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, अगर ये सिंगल सेल से बन रहे हैं तो ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग बोलेंगे लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। मैंने आपसे ये कहा कि अगर पूरा का पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया एक सिंगल सेल से, एक सिंगल इनिशियल सेल से डेवलप हुआ है, तो ऐसे डेवलपमेंट के टाइप को मैं बोल रहा हूँ लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। ऐसा होता है फर्म्स में, लेकिन इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एज वेल एज एंजियोस्पर्म्स, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है ग्रुप ऑफ सेल्स से। कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, कुछ इनिशियल ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, जो क्या बनाती हैं, पूरा का पूरा एंथर, या कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अगर माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप हुआ है या बना है ग्रुप ऑफ सेल्स से, तो ऐसे डेवलपमेंट के टाइप को मैं बोल रहा हूँ यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। तो मैंने आपको दो तरीके का डेवलपमेंट बताया, एक मैंने आपको बताया लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, और दूसरा आपको मैंने बताया यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। तो अगर माइक्रोस्पोरेंजियम एक ही सेल से बना है तो डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, फर्म्स में देखने को मिलेगा। और इसको हमको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना नहीं है क्योंकि हम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं। और मैंने ये कहा कि अगर माइक्रोस्पोरेंजिया बने हैं ग्रुप ऑफ सेल्स से, कुछ इनिशियल ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बना रही हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बना रही हैं, तब ऐसे डेवलपमेंट के टाइप को मैं बोल रहा हूँ यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। और ऐसा देखने को मिलता है हमको जिम्नोस्पर्म्स में भी और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में भी। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। हम ये कह सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स में
एंथर या माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कौन से टाइप का है? यू स्पोरेंजियट टाइप का है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी और ये ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएंगी पूरा का पूरा एंथर या कह सकते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। तो अगर ये माइक्रोस्पोरेंजियम या एंथर ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ है तब मैं इस डेवलपमेंट के टाइप को बोल रहा हूं यूस्पोरेंजियट डेवलपमेंट। अगर सिंगल सेल से बना होता तो मैं इसको बोलता लेप्टोस्पोरेंजियट डेवलपमेंट। तो अब यहां से स्टार्ट करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। मैंने ये कहा कि यहां पे ये क्या है, ये ब्लू कलर की कुछ ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स है और ये जो ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स है ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी, मेरिस्टेमेटिक इन नेचर होंगी। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फंक्शन क्या होता है? ये नॉन स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, इनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन तो होता नहीं। इनका मेन फंक्शन क्या है? नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाना डिवाइड कर करके, और उसके बाद डिफरेंशिएशन के थ्रू सेल्स जब डिफरेंशिएट होती हैं तब पर्टिकुलर शेप और साइज या फंक्शन अडॉप्ट करती हैं, तब उनको हम परमानेंट सेल्स बोलते हैं। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ये मेरिस्टेमेटिक इन नेचर है, यानी कह सकते हैं कि ये डिवाइड करके नई सेल्स बनाएंगी और वो नई सेल्स कुछ भी बना सकती हैं प्लांट के अंदर डिफरेंशिएट होकर के। इतनी बात आपको समझ में आई? तो मैंने आपको कहा कि ये इनिशियल ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है और ये जो ब्लू कलर की मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये आगे चल के स्पोरेंजियम या एंथर बनाएगी। और जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये कॉन्टिन्यूस डिवाइड करने वाली सेल्स होती हैं, इस वजह से इनकी जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरी नेचर की होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और डेंस साइटोप्लाज्म होगा इसमें और मोर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। यानी कह सकते हैं ऑल ओवर ये बहुत सेंसिटिव सेल्स होंगी, बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर वाली सेल होंगी। तो अगर ये सेंसिटिव स्ट्रक्चर है या सेंसिटिव सेल्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाने वाली है आगे चल के, तो हमें इन्हें बाहर से प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, यानी इनको हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं पे भी चाहे मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ चाहे एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको बोला जाता है एपिडर्मिस। यानी यहाँ पे प्रेजेंट होगा ये एपिडर्मिस। ये क्या है? एपिडर्मिस है। यानी कि ये क्या है? एपिडर्मल सेल्स है और ये पूरे की पूरी कवरिंग बना रही है जिसको मैं बोल रहा हूँ एपिडर्मिस। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास ढेर सारा ग्रुप ऑफ सेल्स है, ढेर सारा ग्रुप ऑफ सेल्स है और उसके चारों तरफ कवरिंग बना ले रही है एपिडर्मल सेल्स। तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक फुटबॉल है हमारे पास, उस फुटबॉल के अंदर बहुत सारी छोटी 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 क्या रखी हैं? बॉल्स रखी हैं। तो वो जो छोटी छोटी बॉल्स हैं वो क्या है? ये ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ब्लू कलर वाली, और जो फुटबॉल की लेयर है वो क्या है? एपिडर्मल सेल्स की बनी हुई एपिडर्मिस लेयर है। तो जो बाहर की तरफ से फुटबॉल की लेयर है वो एपिडर्मिस से प्रोटेक्शन का काम करेगी और फुटबॉल के अंदर जो स्पेस खाली है उसके अंदर भरी हुई है कौन? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये इनिशियल मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो क्या बनाएंगी? माइक्रोस्पोरेंजियम बनाएंगी। और मैं फुटबॉल को कट करके दिखा रहा हूँ आपको, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पे दिखा रहा हूँ फुटबॉल का, या कह सकते हैं इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर का। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप है और ये जो ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बाहर से एपिडर्मिस प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है कि ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, या कह सकते हैं ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट हो जाता है। टेट्रागोनल का मतलब ये स्क्वायर शेप में, यानी फोर कॉर्नर स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा। पर सिर्फ ये चेंज हुआ यहाँ से यहाँ आने में, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। अभी भी वही ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, अभी भी इनके अंदर वही ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स है और ये बाहर की जो प्रोटेक्टिव लेयर है अभी भी इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एपिडर्मिस बोल रहे हैं। अगले स्टेप में ध्यान से समझिएगा आप कि यहाँ पे जो सेंटर में है, जैसे कि इसको हमने फुटबॉल से रिलेट किया तो इसको रिलेट कर सकते हैं, हमारे पास एक कोई बॉक्स है और इसके चारों तरफ जो इसकी कवरिंग है उसको हम बोल सकते हैं एपिडर्मिस, और अंदर जो स्पेस है बॉक्स के अंदर जो खाली जगह है उसमें ये ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स भरी हुई है। तो जो यहाँ पे सेंटर की सेल्स हैं, ये जो सेंटर पे प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ये अपना साइटोप्लाज्म जो है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट सेल्स को डोनेट कर देती है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट सेल्स को ये डोनेट कर देती है। मैंने ये कहा कि जो सेंटर पे प्रेजेंट सेल्स हैं ये अपने साइटोप्लाज्म को कॉर्नर्स पे प्रेजेंट सेल्स को दे देती है। और अगर ऐसा होगा ड्यू टू एडिशन ऑफ फूड एंड साइटोप्लाज्मिक सिंथेसिस द सेल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, द साइज ऑफ द सेल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स
इंक्रीजेस, ये जो सेल का साइज है जो कॉर्नर्स में प्रेजेंट है इनका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैंने ये कहा कि जो ये सेंटर वाली सेल्स हैं इन्होंने क्या कर दिया, अपना साइटोप्लाज्म कॉर्नर वाली सेल्स को दे दिया, दैट इज व्हाई द साइज ऑफ द सेल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स इंक्रीजेस। इन सेल का साइज क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। और इन सेल्स को जो कॉर्नर्स में प्रेजेंट सेल्स हैं जिनका साइज इंक्रीज हो गया, यानी ये बड़ी ये जो सेल्स दिखाई दे रही हैं लार्ज सेल्स, इन सेल्स को मैं बोल रहा हूं आर्किस्पोरियल सेल्स, इनको मैं बोल रहा हूं आर्किस्पोरियल सेल्स। तो मैंने ये कहा कि बहुत सारी सेल्स थी, सेंटर वाली सेल्स अपने साइटोप्लाज्म को कॉर्नर्स पर प्रेजेंट सेल्स को दे दी और इसकी वजह से कॉर्नर्स के सेल्स का साइज बड़ा हो गया, इंक्रीज कर गया। और इन रेड कलर की सेल्स को मैं बोल रहा हूं आर्किस्पोरियल सेल। स्पोरियल का मतलब जो स्पोर बनाएंगे, आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव। तो ऐसे सेल्स जो इन फ्यूचर स्पोर्स बनाएंगी या प्रोड्यूस करेंगी और ये सबसे पुरानी या सबसे प्रिमिटिव सेल है, इस वजह से हमने इनके लिए टर्म यूज किया है आर्की। तो पूरी सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्की स्पोरियल सेल्स। और ये जो ग्रुप ऑफ आर्की स्पोरियल सेल्स है, ये जो कॉर्नर्स पे ये आर्की स्पोरियल सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट है, इस पूरे के पूरे ग्रुप को हम लोग बोलेंगे, ये जो ग्रुप ऑफ आर्की स्पोरियल सेल्स प्रेजेंट है इनको मैं बोल रहा हूँ आर्की स्पोरियम। तो सेल्स को बोलेंगे आर्की स्पोरियल सेल्स और ग्रुप ऑफ आर्किस्पोरियल सेल्स को बोलेंगे आर्किस्पोरियम। अब ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ये स्पोर्स बनाएंगे, तो जो स्पोर्स होंगे वो न्यू सेल्स होंगे। तो इन पुरानी सेल्स से अगर नई सेल बन रही है तो क्या होगा, यहां पे सेल डिवीजन। और आर्किस्पोरियल सेल्स में इंपॉर्टेंट बात हमको ये समझना है कि डिवीजन दो तरीके का होगा। एक डिवीजन होगा पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, और ऐसे डिवीजन को मैं बोल रहा हूं पेरिक्लाइनल डिवीजन, इसको मैं बोल रहा हूं पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो मैंने ये कहा कि जैसे ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अलोंग अगर इन सेल्स में डिवीजन हो रहा है, यानी कि इस सेल में डिवीजन इस एक्सिस के अलोंग हो रहा है इस तरीके से, तो ऐसे डिवीजन को मैं बोल रहा हूँ पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इन सेल्स को इस एक्सिस के अबाउट डिवाइड करूंगा तो ये दो सेल्स की ये इस तरीके की क्या बनती जाएगी, लेयर्स बनती चली जाएगी, यानी एक लेयर से कितनी लेयर बन जाएगी, दो। इस तरीके से अगर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज होंगी, यानी ये फॉर्म करेंगी मैनी लेयर्स, ये कई सारी क्या फॉर्म करेंगी, लेयर्स फॉर्म करेंगी पेरिक्लाइनल डिवीजन की हेल्प से। और दूसरा जो डिवीजन है ये होगा परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं 90 डिग्री टू द लॉन्ग एक्सिस। यानी ये कह सकते हैं कि अगर ये एक्सिस है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस तो इस एक्सिस के अबाउट डिवीजन होगा, यानी ये सेल ऐसे ना डिवाइड करके ऐसे डिवाइड करेगी, ऐसे डिवाइड करेगी, ये सेल्स लॉन्गिट्यूडनली ना डिवाइड करके इस तरीके से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक ही लेयर में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए ये 1, 2, 3 सेल्स हैं और मैंने कहा कि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो अगर यहाँ पे डिवीजन होगा इस एक्सिस के अबाउट तो 1, 2 लेयर्स बन जाएगी। लेकिन अगर इस एक्सिस के अबाउट डिवीजन हो रहा है तो एक ही लेयर में 3 के बजाय 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेल्स हो जाएंगी। यानी कि अगर हम इस यानी 90 डिग्री या फिर कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे डिवीजन को मैं बोल रहा हूं एंटी क्लाइनल डिवीजन, इसको मैं बोल रहा हूं एंटी क्लाइनल डिवीजन। तो मैंने आपसे ये कहा कि ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स हैं, ये आर्किस्पोरियम में प्रेजेंट आर्किस्पोरियल सेल्स हैं, इनमें डिवीजन होगा दो तरीके का, एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट जिसको मैं बोल रहा हूँ पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिसकी वजह से बहुत सारी लेयर्स बनेंगी। और मैंने कहा कि दूसरे तरीके का डिवीजन है कि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डिवीजन होगा, यानी कि अगर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है तो सेल में इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, डिवीजन होगा, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, डिवीजन होगा। और अगर परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस डिवीजन हो रहा है तो ऐसे डिवीजन को मैं बोल रहा हूँ एंटी क्लाइनल डिवीजन। बहुत इजी है याद करना, पी फॉर पैरेलल, पी फॉर पेरिक्लाइनल डिवीजन, ए फॉर एंटी क्लाइनल डिवीजन, और ए से कह सकते हैं अगेंस्ट टू द लॉन्ग एक्सिस डिवीजन। तो लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होगा तो पेरिक्लाइनल, पैरेलल पेरिक्लाइनल, और लॉन्ग एक्सिस के अगेंस्ट होगा अगेंस्ट एंटी क्लाइनल डिवीजन।
तो जैसे यहाँ पे मैनी लेयर्स फॉर्म होंगे, कई सारी लेयर्स बन जाएंगे अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट डिवीजन हो रहा है, तो जब परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस डिवीजन होगा तो एक ही लेयर में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, और अगर एक ही लेयर में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी तो इस लेयर का एक्सपेंशन होगा, यानी ये कह सकते हैं कि ये हेल्प करेंगी एक्सपेंशन में, ये हेल्प करेंगी एक्सपेंशन में, और ये न्यू या मल्टीपल लेयर के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से हमें लग रहा है समझ में आ गई होगी। तो ये जो आर्कियोस्पोरियल सेल्स हैं, इन आर्कियोस्पोरियल सेल को सेंटर की सेल ने क्या कर दिया, अपना साइटोप्लाज्म दे दिया, तो धीरे धीरे इस सेंटर पे प्रेजेंट सेल्स क्या होने लगेंगी, डीजनरेट होने लगेंगी। सेंटर पे प्रेजेंट सेल्स क्या होने लगेंगी, डीजनरेट, क्योंकि अब इन्होंने क्या कर दिया, अपने अंदर जो साइटोप्लाज्म था, फूड था, उसको पास कर दिया कॉर्नर्स पे प्रेजेंट सेल्स को। तो इसकी वजह से ये सेल्स इसीलिए हैं ही, ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर यहाँ पे ये स्पेस क्रिएट होने लगेगा। यानी हमने ये कहा कि सिर्फ क्या बचेंगी, आर्कियोस्पोरियल सेल्स बचेंगी, और ये सेंटर पे प्रेजेंट सेल्स धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि इसके बाद वाली जो स्पेस होगी वो ऐसी दिखाई देगी। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो आर्कियोस्पोरियल सेल्स है इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो लेयर्स का नंबर बढ़ेगा, तो यहाँ पे पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, और इस डिवीजन की वजह से जो आर्कियोस्पोरियल सेल्स थी कॉर्नर्स में, वो दो लेयर्स का फॉर्मेशन कर दी, एक ये बाहर की तरफ, एक ये बाहर की तरफ एक लेयर बन रही है, इसको मैं बोल रहा हूं प्राइमरी पैराइटल सेल्स की लेयर, या इसको एब्रिविएट करके हम पीपी सेल्स बोल सकते हैं, और यहां पे एक अंदर की तरफ सेल्स की लाइनिंग या लेयर बन रही है, इसको मैं बोल रहा हूं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, या फिर इसको एब्रिविएट करके पीएस सेल्स मैं बोल पा रहा हूं। तो मैंने आपसे यह कहा कि आर्कियोस्पोरियल सेल ने डिवाइड किया, पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से दो लेयर्स बनी, ये आउटर लेयर, आउटर लेयर को मैंने क्या बोला प्राइमरी पैराइटल सेल्स की लेयर, और अंदर की तरफ यहाँ पे एक दूसरी लेयर बन रही है जिसको मैं बोल रहा हूँ इनर लेयर, और इनर लेयर की सेल्स को मैं क्या बोल रहा हूँ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। तो आपको पता चल रहा होगा जीनस का मतलब होता है जनरेट करना, किसको जनरेट करना, स्पोरो मतलब स्पोर्स, यानी कह सकते हैं कि जो स्पोरोजिनस सेल्स होंगी ये स्पोर्स बनाएंगी, और ये पहली सेल्स है, इस वजह से मैंने इनको बोला प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। तो यानी कह सकते हैं कि स्पोरोजिनस सेल्स आगे चल के क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे, और यहाँ पे हम मेल स्पोर्स की बात कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर, क्योंकि मेल का जो गैमेट या स्पोर होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज होता है फीमेल के कंपैरिजन में। और ये जो माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, ये माइक्रोस्पोर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और क्या होंगे, डेलिकेट होंगे, तो इनको बाहर से प्रोटेक्ट करना, और ये जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स हैं इनको नरिश करने का काम करेंगी इस प्राइमरी पैराइटल सेल से बनी हुई कुछ लेयर्स, और इन लेयर्स का नंबर होगा 3। ये तीन लेयर्स जो है अलोंग विद द एपिडर्मिस बनाएंगी वॉल ऑफ एंथर, ये बनाएंगी वॉल ऑफ एंथर। तो मैंने आपसे ये कहा कि ये जो आर्कियोस्पोरियल सेल्स हैं इनके डिवीजन से दो लेयर बनी, ये बाहर वाली एक लेयर जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है इसको मैं बोल रहा हूं प्राइमरी पैराइटल सेल्स की लेयर, और ये बनाएंगी डिफरेंट लेयर्स, और तीन लेयर बनाएंगी, ये तीन लेयर एपिडर्मिस के साथ मिलकर के वॉल ऑफ एंथर बनाएंगी जो प्रोटेक्शन का काम करेंगी, और ये जो इनर लेयर है इसको मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल की लेयर, और ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स माइक्रोस्पोर बनाएंगे, और माइक्रोस्पोर डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को नरिश करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए ये बाहर की प्राइमरी पैराइटल सेल्स क्या करेंगी, मल्टीपल लेयर्स बनाएंगी, और ये थ्री मल्टीपल लेयर्स, ये तीन जो लेयर्स हैं अलोंग विद द एपिडर्मिस क्या बनाएंगी, वॉल ऑफ एंथर। तो इससे बनेगा वॉल ऑफ एंथर, और इससे बनेगा माइक्रोस्पोर्स। एक बात और समझिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स हैं, ये जो पीपी सेल्स हैं, इनका जो डिवीजन का रेट होता है वो कंपैरेटिवली फास्ट होता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये तेजी से डिवाइड करके ये जो स्पेस खाली है इसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। आप ये समझ सकते हैं कि अगला जो स्टेज होगा डेवलपमेंट का वो ये होगा, यानी कि जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स हैं उन्होंने खूब तेजी से डिवीजन किया, जो खाली जगह थी उसको ऑक्यूपाई कर लिया, और इससे होगा क्या, ये भी सेल्स मेरिस्टमेटिक है जिनको हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बोल रहे हैं, ये भी डिवाइड करेंगे, लेकिन इनका डिवीजन का रेट इनके डिवीजन के रेट से क्या है, कम है,
इस वजह से नंबर ऑफ सेल्स प्राइमरी पैराइटल सेल्स के क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और ये जो खाली स्पेस है इसमें प्राइमरी पैराइटल सेल्स पूरा क्या हो जाएंगे, कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाएंगे, भर जाएंगे। और इसका रिजल्ट आप अगर देखें ध्यान से, ये जो सेल्स है प्राइमरी पैराइटल सेल्स खूब तेजी से ग्रो करके या डिवाइड करके इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और ये भी डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये तेज डिवाइड कर रहे हैं या स्लो डिवाइड कर रहे हैं। तो होगा ये कि ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये कॉर्नर्स पे एक पैकेट के फॉर्म में, एक सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, कॉम्पैक्टली पैक हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल्स ने डिवाइड किया और हर एक कॉर्नर्स पे यहाँ पे ये कुछ सेल्स जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स थी वो कॉम्पैक्टली पैक्ड हो गई, एक पैकेट के फॉर्म में अपीयर हो रही हैं। तो इन सेल्स को मैं बोल रहा हूं स्पोरोजिनस सेल्स, और ये जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये आगे चल के, ये जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये आगे चल के बनाएंगे माइक्रोस्पोर्स, और माइक्रोस्पोर बाद में हमें समझ में आएगा कि हैप्लॉयड होगा, यानी हैप्लॉयड का मतलब इस सेल्स में डिवीजन होगा कौन सा, मियोसिस, यानी कह सकता हूं मैं रिडक्शनल डिवीजन। और हमको पता है कि मियोसिस से रिडक्शनल डिवीजन जिसमें होता है उन सेल्स को हम मियोसाइट बोलते हैं, डिप्लॉयड होती हैं, और माइक्रोस्पोर्स जो बनाएंगी उनको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और ये जो माइक्रोस्पोर हैं आगे चल के बनाएंगे पॉलेंस, और इस वजह से हम इसको और क्या बोल सकते हैं, पॉलन मदर सेल्स। और ये पॉलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ये स्पोरोजिनस सेल्स के डेवलप्ड फॉर्म होंगे। तो मैंने ये कहा कि ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स थी ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स के तेज डिवीजन की वजह से हर एक कॉर्नर पे पैकेट के फॉर्म में पैक्ड हो गए, और इसके अंदर हमने कहा कि ये जो सेल्स है इसको मैं बोल रहा हूँ स्पोरोजिनस सेल्स, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स या स्पोरोजिनस सेल्स में बोल रहा हूँ, और ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल में, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, ये मैच्योर होकर के बनाएगा पॉलेंस या पॉलन ग्रेन। और आपको पता है कि ये माइक्रोस्पोर बन रहा है इस बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, इस पैकेट के अंदर, जिसको मैंने कहा था कि प्राइमरी पैराइटल सेल्स के तेज डिवीजन की वजह से क्या होगा, ये हर कॉर्नर्स में बन जाएंगे। तो ये जो पैकेट्स हैं इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, तो इसको मैं बोलूंगा माइक्रो स्पोरेंजियम। तो एक दो तीन चार, एक एंथर के अंदर डेवलपमेंट के टाइम से ही चार माइक्रोस्पोरेंजियम हर एक कॉर्नर्स पे बन जाते हैं, और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज या सेल्स ऑलरेडी पैक्ड होते हैं। मैंने ये कहा कि एंथर में हमने आपको बताया था, एंथर में हमने आपको बताया था कि हर एक कॉर्नर पे ये क्या है, हर एक कॉर्नर पे ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। आपको पता चल गया ये माइक्रोस्पोर्स जो है ये स्पोरोजिनस सेल्स के डिवीजन से बन रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो चार के चारों माइक्रोस्पोरेंजियम है जिनके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, ये एंथर के डेवलपमेंट के टाइम पे ही हर एक कॉर्नर्स पे बन जाते हैं, और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज या सेल्स जो माइक्रोस्पोर्स बनाएंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएंगी, वो कॉम्पैक्टली पैक्ड रहती हैं शुरू से ही। फिर मैं बोल रहा हूं आपको ध्यान से समझिए इसको, मैंने ये कहा कि एंथर के चारों कॉर्नर पे नियर टू सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा जिसको मैं बोल रहा हूं माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम बन जाते हैं एंथर के डेवलपमेंट के ही टाइम पे प्राइमरी पैराइटल सेल्स के तेज डिवीजन की वजह से। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, फोर कॉर्नर पे फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, इनके अंदर स्पोरोजिनस सेल्स या टिश्यूज जो इन फ्यूचर माइक्रोस्पोर्स बनाएंगी वो एंथर के डेवलपमेंट के टाइम से ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं विद इन माइक्रोस्पोरेंजियम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बन रहे हैं वो स्पोरोजिनस सेल्स से बनेंगे इस मैनर में, इसको हम बाद में डिटेल में करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये समझिए, नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या कि यहां पे ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं, जो चारों तरफ ये एपिडर्मिस बना रही है एपिडर्मल सेल्स, उसमें ये जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट एपिडर्मल सेल्स हैं, ये जो चारों कॉर्नर्स पे प्रेजेंट एपिडर्मल सेल्स हैं, ये कॉर्नर्स की एपिडर्मल सेल्स खूब तेजी से डिविजन शो करती हैं, और ये कॉर्नर्स की एपिडर्मल सेल्स के डिवीजन के रेट से बहुत ज्यादा कम रेट होता है ये सेंटर या मिडिल पॉइंट पे प्रेजेंट
एपिडर्मल सेल्स के, यानी कह सकते हैं कि ये जो कॉर्नर्स पे एपिडर्मल सेल्स हैं ये फास्टर रेट से डिवाइड करेंगी, लेकिन ये जो मिडिल पॉइंट पे एपिडर्मल सेल्स हैं ये स्लो रेट से डिवाइड करेंगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो डिवीजन होगा, ये जो डिवीजन होगा यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स का, तो विद इन द लेयर यहाँ पे सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा, तो ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं इसका एक्सपेंशन होगा, यानी मैं कह सकता हूँ इस तरीके से एक्सपेंड कर जाएंगे, और ये भी इस कॉर्नर पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंशन हो जाएगा, इस कॉर्नर पे भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, इस तरीके से इस कॉर्नर पे भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से एक्सपेंशन हो जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे हर एक सेंटर पॉइंट कह सकते हैं मिडिल पॉइंट पे यहाँ पे स्लो रेट से अगर डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पे ग्रूव बनता चला जाएगा, एक लॉन्गिट्यूडनल फरो बनती चली जाएगी, इसलिए क्योंकि ये कॉर्नर्स की सेल्स तेजी से डिवाइड कर रही है, तो कॉर्नर्स कि ये जो लेयर है एपिडर्मिस की लेयर ये एक्सपेंड होगी, यहाँ पे ग्रूव फिर एक्सपेंशन होगा, यहाँ पे ग्रूव या फरो फिर एक्सपेंशन होगा, यहाँ पे ग्रूव या फरो फिर एक्सपेंशन होगा, यहाँ पे ग्रूव या फरो, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वाला स्टेज हमको दिखाई देगा, ये वाला स्टेज हमको दिखाई देगा, यानी ये कह सकता हूं मैं कि एक कॉर्नर पे यहाँ पे ये क्या होंगे, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वाला स्टेज हमको ऐसा दिखाई देगा फर्दर डेवलपमेंट में। तो मैंने आपको ये कहा कि ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस तो होगी आउटर मोस्ट लेयर, और फिर हमने ये कहा कि 1, 2, 3, 4 कॉर्नर्स पे नियर टू सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, और इस स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट है स्पोरोजिनस टिश्यूज या स्पोरोजिनस सेल्स। और ध्यान से एक बात समझिएगा, यहां पे एपिडर्मिस और ये माइक्रोस्पोरेंजियम, एपिडर्मिस और ये माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके बीच में एपिडर्मिस और माइक्रोस्पोरेंजियम, एपिडर्मिस और माइक्रोस्पोरेंजियम, एपिडर्मिस और माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में यहां पे बहुत सारी क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी पैराइटल सेल्स पीपीसी। हमने ये कहा कि ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स थी, तो यहाँ पे ये माइक्रोस्पोरेंजियम हो गई और ये एपिडर्मिस हो गई, माइक्रोस्पोरेंजियम और एपिडर्मिस के बीच में यहाँ पे बहुत सारी ये रेड कलर की पीपीसी यानी प्राइमरी पैराइटल सेल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो एपिडर्मिस और माइक्रोस्पोरेंजियम, ये जो ब्लैक वाली लाइनिंग है लेयर है और ये जो ब्लैक वाली लेयर है, तो ये एपिडर्मिस हो गई और ये क्या हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एपिडर्मिस और माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत सारी सेल्स प्रिंट होंगी, किसकी, प्राइमरी पैराइटल सेल्स की। तो ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स हैं, हमने आपको बताया था कि ये क्या बनाएंगे, वॉल ऑफ एंथर। तो ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स 3 डिफरेंट लेयर के फॉर्म में क्या हो जाती हैं, अरेंज हो जाती हैं। इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ये रेड कलर की लेयर के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगी कुछ प्राइमरी पैराइटल सेल्स, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस और वी कैन से पैरेलल टू द एपिडर्मिस, और इन सेल्स को या इस रेड कलर की सेल्स की लेयर को मैं बोल रहा हूं एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, और कुछ प्राइमरी पैराइटल सेल्स इस माइक्रोस्पोरेंजियम के नियर जाकर क्या हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी। तो ये नियर टू माइक्रोस्पोरेंजियम जो सेल्स अरेंज हो रही हैं, इस लेयर को मैं बोल रहा हूं टैपेटम, इसको मैं बोल रहा हूं टैपेटम, और एंडोथीसियम और टैपेटम के बीच में यहां पे एंडोथीसियम और टैपेटम के बीच में यहां पे कुछ क्या प्रेजेंट होंगी, सेल्स प्रेजेंट होंगी 1, 2, 3 लेयर्स की फॉर्म में, और ये एंडोथीसियम और टैपेटम के बीच में प्रेजेंट है, इस वजह से मैं इसको बोल रहा हूं मिडिल लेयर, इसको मैं बोल रहा हूं मिडिल लेयर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एपिडर्मिस और ये माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके बीच में जो बहुत सारी ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स थी पीपीसी, ये 3 लेयर के फॉर्म में अरेंज हो गई, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस एंडोथीसियम, नियर टू द माइक्रोस्पोरेंजियम टैपेटम, और इन बिटवीन एंडोथीसियम एंड टैपेटम देयर विल बी मिडिल लेयर, द मिडिल लेयर विल बी प्रेजेंट ओवर हियर बिटवीन एंडोथीसियम एंड टैपेटम। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक लेयर ये एंडोथीसियम, ये दूसरी लेयर मिडिल लेयर जिसको मैं बोल रहा हूं, और ये थर्ड लेयर प्रेजेंट है जिसको मैं बोल रहा हूं टैपेटम, और एक ये फोर्थ लेयर प्रेजेंट है जिसको मैं बोल रहा हूं एपिडर्मिस जो ऑलरेडी प्रेजेंट थी। तो एंथर के, तो अगर मैं वॉल ऑफ एंथर की बात करूं, वॉल ऑफ एंथर की मैं अगर बात कर रहा हूं, तो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो बाहर की तरफ है ये वॉल ऑफ एंथर बनाएंगी,
तीन लेयर बनाएंगी ये अलोंग विद द एपिडर्मिस, उन लेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल ऑफ एंथर। तो वॉल ऑफ एंथर में कितने लेयर हो गए, टोटल फोर। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ई स्क्वायर एम टी। ई स्क्वायर एम टी का मतलब सबसे बाहर प्रेजेंट होगी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगी एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम के नीचे यहां पे प्रेजेंट होगी मिडिल लेयर, और जस्ट बिलो मिडिल लेयर नियर टू द माइक्रोस्पोरेंसियम प्रेजेंट है यहां पे टैपेटम। तो वन टू थ्री फोर, ये सीक्वेंस हमको याद रखना है, आउटर टू इनर, ई स्क्वायर एम टी। सबसे बाहर यहां पे प्रेजेंट है ये ब्लैक कलर वाली लेयर, इसको मैं बोल रहा हूं एपिडर्मिस, और उसके नीचे प्रेजेंट है यहां पे क्या, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के नीचे प्रेजेंट है मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के नीचे प्रेजेंट है नियर टू माइक्रोस्पोरेंजियम टैपेटम। तो सबसे बाहर की तरफ हो गई एपिडर्मिस, यानी मैं ये कह सकता हूं ये जो एपिडर्मिस है, ये जो एपिडर्मिस है ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये हो गई आउटर मोस्ट वॉल या आउटर मोस्ट लेयर। और सबसे अंदर वन टू थ्री फोर नियर टू माइक्रोस्पोरेंजियम यहां पे क्या प्रेजेंट है, टैपेटम, यानी मैं टैपेटम के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं इनर मोस्ट, ये क्या है इनर मोस्ट लेयर। तो आपको समझ में आ गया, एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडिल लेयर टैपेटम, एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडिल लेयर टैपेटम, आउटर टू इनर। अगर हम आउटर टू इनर मूव कर रहे हैं तो एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडिल लेयर टैपेटम, ये चार वॉल्स होंगी किसकी, एंथर की। इसलिए मैंने बोला वॉल ऑफ एंथर कितने हैं, फोर इन नंबर, और इसके लिए हमने फॉर्मूला दिया आपको ई स्क्वायर एम टी। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर मैं एपिडर्मिस को छोड़ दूं, अगर मैं किसको छोड़ दूं, एपिडर्मिस को छोड़ दूं, तो ये तीनों के तीनों लेयर जो है वो पी पी सी से बनी हुई है, प्राइमरी पैराइटल सेल्स। इस बात को आप रिलेट करिएगा, मैंने आपको बताया कि एपिडर्मिस को अगर मैं छोड़ दूं तो बची हुई तीनों लेयर या वॉल, एंडोथीसियम मिडिल लेयर टैपेटम, किससे बनी होगी, यानी ये तीनों लेयर किसकी बनी हुई होगी, प्राइमरी पैराइटल सेल्स की। और प्राइमरी पैराइटल सेल्स किसकी बनी हुई है, आर्किस्पोरियल सेल्स की, आर्किस्पोरियल सेल्स की। यानी कह सकता हूं मैं कि आर्किस्पोरियल सेल्स के डिवीजन से प्राइमरी पैराइटल सेल्स, और प्राइमरी पैराइटल सेल्स के डिवीजन से ये तीनों लेयर, यानी कि एंडोथीसियम मिडिल लेयर टैपेटम। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एंडोथीसियम मिडिल लेयर और टैपेटम आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं किसके, एपिडर्मिस की, तो ये नॉन आर्की स्पोरियल इन ओरिजिन होगी, ठीक है, ऐसी होगी नॉन आर्की स्पोरियल इन ओरिजिन होगी। तो वॉल ऑफ एंथर फोर, एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडिल लेयर टैपेटम आउटर टू इनर, एपिडर्मिस सबसे पहले से ही प्रेजेंट है, यानी ये नॉन आर्की स्पोरियल सेल्स है, ये नॉन आर्किस्पोरियल सेल्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन सेल से बनेंगी आर्किस्पोरियल सेल्स, और ये आर्किस्पोरियल सेल के अलावा जो सेल्स प्रेजेंट है इसको मैं बोल रहा हूं एपिडर्मल सेल से एपिडर्मिस, ये नॉन आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन हो गई। रेस्ट ऑफ ऑल दीज थ्री लेयर्स, दैट इज एंडोथीसियम मिडिल लेयर एंड टैपेटम, ये किससे बनी होंगी, प्राइमरी पैराइटल सेल्स से, और प्राइमरी पैराइटल सेल्स आर्किस्पोरियल सेल से बनी है, तो हम इन तीनों लेयर को बोलेंगे आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन, इनको हम लोग बोलेंगे आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन। ये बात आपको समझ में आती होगी। एक छोटी सी बात आप और समझ लीजिए यहीं पे कि अगर मैं इतने से पार्ट को कट करके देखूं, ये वाला सेक्शन अगर सिर्फ कट करके देखा हूं, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, आउटर एपिडर्मिस, और इसके अंदर प्रेजेंट होगा एंडोथीसियम। तो मैंने ये बनाया एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की लेयर है ये, और ये जो एपिडर्मिस की लेयर है, इस एपिडर्मिस के नीचे, यानी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है कौन सी सेल की लेयर, एंडोथीसियम। तो मैंने ये कहा कि आउटर मोस्ट लेयर हो गई कौन सी, एपिडर्मिस, और ये सेल्स कौन सी हो गई, एंडोथीसियम।
तो जो एंडोथीसियम सेल्स है या एंडोथीसियम की जो ये सेल्स है, इसमें यहां पे इस तरीके से यू शेप्ड थिकनिंग प्रेजेंट होती है, यहां पे इस तरीके से यू शेप्ड थिकनिंग है। यानी कि मैंने कहा कि ये क्या है, यहां पे प्रेजेंट है थिकनिंग, और थिकनिंग कैसी है, यू शेप्ड थिकनिंग है। और ये जो यू शेप्ड थिकनिंग है ये कार्बोहाइड्रेट की होती है, पॉलीसेक्राइड की होती है, और इस पॉलीसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट को मैं बोल रहा हूँ कैलोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमको याद रखना है, मैंने कहा कैलोज। तो यहाँ पे हमने ये कहा कि हर एक एंडोथीसियल सेल्स के अंदर इसकी वॉल पे यहाँ पे ये यू शेप्ड थिकनिंग प्रेजेंट होगी, और ये जो यू शेप्ड थिकनिंग है ये इनर वॉल और साइड वॉल पे, यानी मैं ये कह सकता हूँ साइड एंड इनर वॉल्स पे ये थिकनिंग होगी। और थिकनिंग किसकी है, कैलोज कार्बोहाइड्रेट की, और इस कैलोज कार्बोहाइड्रेट की वजह से ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होंगी। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब यहाँ पे आप ये समझिए कि ज़्यादा वाटर होगा तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, और अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगी तो ये वाटर को लूज करेंगे। तो वाटर को ये तेजी से एब्जॉर्ब भी करेंगी सेल्स और तेजी से लूज भी करेंगे, और इस नेचर को मैं बोल रहा हूँ हाइग्रोस्कोपिक नेचर। तो मैंने ये कहा कि ये बाहर की तरफ वाली जो लेयर है, ये बाहर की तरफ वाली जो लेयर है इसको मैं एपिडर्मिस बोल रहा हूँ। जस्ट बिलो द एपिडर्मिस यहाँ पे प्रेजेंट है एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम के अंदर हर एक जो सेल्स हैं इसमें यू शेप्ड कैलोज कार्बोहाइड्रेट की क्या है, थिकनिंग है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैलोज कार्बोहाइड्रेट ये सेल्स हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होंगी। और हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब ये है कि वाटर को तेजी से एब्जॉर्ब और लूज करने की क्या होगी, टेंडेंसी होगी। इस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग डेहिसेंस ऑफ एंथर में वापस से दोबारा से समझेंगे, वहां पे हम इसके हाइग्रोस्कोपिक नेचर का यूज करेंगे, किसके लिए, डेहिसेंस के लिए। थोड़ा से इस स्ट्रक्चर को एक बार और आप समझिए, मैंने आपको कहा कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, आउटर टू इनर मूव करेंगे तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, उसके बाद प्रेजेंट होगा यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे बाहर ये एपिडर्मिस हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो गई, एंडोथीसियम, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे 1, 2, 3 लेयर में प्रेजेंट होगी मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है ये टैपेटम, और ये टैपेटम के जस्ट बाद यहाँ पे प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम की लेयर, जिसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस सेल्स। तो हमने आपको बताया कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजिनस सेल्स की लेयर प्रेजेंट होगी। और एक बात और आप ये ध्यान रखिए कि जब ये एक्सपेंशन होगा कॉर्नर्स पे तो ये एपिडर्मिस में प्रेजेंट एपिडर्मल सेल्स के फास्टर डिवीजन की वजह से हो रहा है, उतनी तेज ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स नहीं डिवाइड कर रही है, लेकिन प्राइमरी पैराइटल सेल्स एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पैरेलल प्रेजेंट है, तो इसके ज्यादा एक्सपेंशन से, इसके तेज एक्सपेंशन से, और इसका एक्सपेंशन इसके रेट के हिसाब से नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स वाले जो पॉइंट्स होंगे ये यहाँ पे ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स क्या होंगी, एब्सेंट होंगी, और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ इस्टोमियम। तो मैंने ये कहा कि ये बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही है, ये तेजी से एक्सपेंड करेगी तो इसके पैरेलल ये सेल है, लेकिन उतनी तेजी से इस लेयर की सेल्स नहीं डिवाइड कर रही है, तो ये भी इससे खींचेंगी, और होगा क्या कि यहाँ पे ये जो जगह है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, यहाँ पे ये सेल्स एब्सेंट होंगी। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंथर के प्राइमरी पैराइटल सेल्स एब्सेंट होती हैं, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ स्टोमियम, और ये सबसे वीक पार्ट होगा किसका, एंथर का। आप इसको इसमें देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि ये क्या है, एंथर का क्रॉस सेक्शन है, ये TS है, यानी कह सकते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन है, और इसको मैंने आपको इस प्लेन के अबाउट दिखाया है, यानी कह सकता हूँ मैं कि ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो मैंने आपसे ये कहा कि इस स्ट्रक्चर से इसको रिलेट करिए, आप इस स्ट्रक्चर से अगर आप इसको रिलेट करेंगे ऐसे, तो ये जो वॉल है, ये जो थिकनिंग है, ये वॉल जो है, इसको मैं बोल रहा हूँ वॉल ऑफ एंथर। तो इस वॉल में कितनी लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, फिर टैपेटम,
और उसके बाद ये जो स्पेस है इसके अंदर है माइक्रोस्पोर फॉर्मिंग सेल्स, जिसको हम बोल रहे हैं स्पोरोजिनस सेल्स। तो ये जो ब्लैक कलर की सेल्स है वो इस गड्ढे में या कह सकते हैं सैक लाइक या बैग लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगी, डिवाइड करके माइक्रोस्पोर्स या पॉलिन्स बनाएंगे। लेकिन मैंने ये कहा कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है इधर से अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है, अगर मैं पूरा लोब आपको दिखाऊं तो ये जो लोब है, इस लोब में यहाँ पे ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट है, इसको अगर हम अंदर से देखेंगे तो यहाँ पे इन पॉइंट्स पे क्या नहीं प्रेजेंट होगा, प्राइमरी पैराइटल सेल्स की लेयर नहीं प्रेजेंट होगी, प्राइमरी पैराइटल सेल्स नहीं होगी, यानी कि ये क्या है, वीक पार्ट है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जब भी एंथर क्या होगा, मैच्योर होगा, एंथर रखे रखे सूख गया है कल से, तो मैंने ये कहा कि जब भी ये क्या होगा, मैच्योर होगा, तो इस लाइन ये जो पॉइंट है ये लाइन जो है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो है, इसको मैंने बोला था लाइन ऑफ डिहेसेंस, तो यहाँ पे प्राइमरी पैराइटल सेल्स क्लियर नहीं है, तो ऑलरेडी ये वीक पॉइंट है, तो जब भी ये मैच्योर होगा तो यहाँ पे इसी एक्सिस से लाइन के अबाउट ये बर्थ्स करेगा और इसके अंदर जो पॉलेंस हैं वो रिलीज होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से या यहां से ये क्या होगा, बर्थ्स करेगा, और उसके बाद हम जब डिटेल पढ़ेंगे इसका डिस्टेंस ऑफ एंथर, तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे ये जो मिडिल लेयर और ये सारी लेयर्स जो है, इनमें भी लेयर्स जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, फिर डिजनरेट हो जाती है, क्योंकि इनका काम होता है नरिश करना, नरिशमेंट का काम खत्म हो जाता है, तो ये क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पे जो मिडिल लेयर है ये भी डिजनरेट हो जाएगी, और एंडोथीसियम जो है ये हेल्प करेंगे डिस्टेंस में, ये जब वाटर लूज करेंगे तो यहाँ पे सिकुड़न आएगी और इस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से एक टेंशन जनरेट होगा, तो एक वीक पॉइंट से ये एंथर क्या हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, और ये दोनों लेयर तो ऑलरेडी हट गई थी, तो ये जो पॉलेंस है ये बाहर की तरफ क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि किस पॉइंट के अबाउट डिहेसेंस होता है, तो वीक पॉइंट के अबाउट डिहेसेंस होता है, इस वीक पॉइंट को मैं स्टोमियम बोल रहा हूँ, और यहाँ पे प्राइमरी पैराइटल सेल्स नहीं प्रेजेंट होती है। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है, एंथर कैसे डेवलप होता है। और एक बात और आप ये याद रख सकते हैं कि जब मैंने आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया था, ये ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया था, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये वाला जो एरिया है, ये जो मैं ब्लैक कर रहा हूं, ये जो ब्लैक वाला एरिया है, इसी को मैं बोल रहा हूं कनेक्टिव, और इसको आप यहां पे देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो पॉइंट है वो ये ब्लू कलर का पॉइंट है, और इस ब्लू कलर के पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं, कनेक्टिव। और शायद आपको याद आ रहा होगा कि ये जो कनेक्टिव है, ये दो लोब्स को आपस में, मैंने इन दोनों लोब को कट किया है, तो ये दो लोब हैं, इन दोनों लोब को आपस में क्या रखता है, जोड़ता है, या फिर कुछ बुक्स में लिखा है सेपरेट रखता है इनके चैम्बर्स को। तो ये क्रॉस सेक्शन पे जब इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे बीच में ये कनेक्टिव स्ट्राइल कनेक्टिव पॉइंट के फॉर्म में अपीयर होगा, जो कि यहाँ पे है कनेक्टिव। तो ये सारी डिटेल आपको एक बार रिवाइज करनी है, पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है इसको एक बार क्या करना है, रिवाइज करना है। मैं इसको इसलिए आपको बता दिया हूँ, कहीं पे ये डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि जो मैं एंथर बाई लोब डाइथीकस टेट्रा स्पंजिएट कंडीशन बोल रहा हूँ वो किस तरीके से बनता होगा, किस तरीके से इसका डेवलपमेंट होता होगा। तो एक बार इसको आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डिफरेंट फोर कॉर्नर्स पे नियर टू सर्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहा हूँ, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये जो स्पोरोजिनस सेल्स है, टिश्यूज हैं, ये कैसे डिवाइड करके क्या बनाती हैं, माइक्रोस्पोर्स बनाती हैं या फिर पॉलिन्स बनाते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इस कॉर्नर पर जो नियर टू माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर जो प्रेजेंट माइक्रोस्पोर फॉर्मिंग सेल्स मदर सेल्स हैं या स्पोरोजिनस सेल्स हैं, ये कौन से डिवीजन के थ्रू क्या बनाती हैं, माइक्रोस्पोर्स बनाती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिटेल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के।